ये है पाई कनाडा, गर्मी में भी ठंडी का एहसास। आज 18 अप्रैल है, ऑलमोस्ट समर स्टार्ट हो गया है और आज यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। अभी तक 50 mm तक स्नो गिर चुकी है और 20 mm की अभी एक्सपेक्टेशन और है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूँ जिग्नेश पटेल एंड आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। अब इंडिया में तो अभी समर फुल फ्लेश चालू हो गया है और हमारे यहाँ पे अभी हम लोग स्प्रिंग के मिडल में हैं। मीन्स 21 मई तक स्प्रिंग माना जाता है और अभी आज 18 अप्रैल है और आज यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। तो ऐसा है भाई कनाडा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो देखो भाई, समर की स्नोफॉल, समर में यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट रिन्यूअल की एप्लीकेशन देने के लिए। अब यहाँ पे आपको इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करवाना है तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। वैसे तो ट्रिकी नहीं है, मगर जो कोरोना की सिचुएशन हुई है उसके बाद ये थोड़ा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोरोना के गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके रीज़न से यहाँ पे अपॉइंटमेंट अभी नहीं मिल रही है। दो दो महीने की अपॉइंटमेंट के स्लॉट अभी फुल बता रहा है, एक्चुअली कोई अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही है। अगर आपको इन पर्सन जाके अप्लाई करना है तो वो केस में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने पोस्टल का ऑप्शन चुना, तो मैं मेरी एप्लीकेशन पोस्टल के थ्रू ओटावा भेज रहा हूँ। वो क्या प्रोसीजर है, आपको अगर आपको आपका पासपोर्ट रिन्यू करवाना है तो आपको किस तरह से करवाना है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपको देता हूँ। मगर जनरली क्या होता है कि नॉर्मल केस में यहाँ पे मॉन्ट्रियल में भी BLS इंडिया का सेंटर है, तो वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो नॉर्मल केस में। मगर अभी आपको पोस्टल ओटावा सेंड करनी पड़ेगी। अगर आपको ओटावा जाके करना है तो ओटावा जाके भी आप कर सकते हो, मगर कोई भी जगह पे एप्लीकेशन देने के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही है। तो अगर अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही है तो हम अप्लाई कैसे करें रिन्यूअल का? मगर पोस्टल का ऑप्शन है तो हम पोस्ट में एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं और उस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल। तो अभी मैं वो एप्लीकेशन देने के लिए ही जा रहा हूँ। और ये देखो आप, यहाँ पे समर में स्नोफॉल हो रही है। इस बार का जो वेदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, क्योंकि इस बार स्नोफॉल भी बहुत हुई है और इस बार का अगर आप देखें ना तो विंटर भी काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। एटलीस्ट मेरे आने के बाद ये पहला विंटर ऐसा है कि मैंने ऐसा देखा है। बाकी इतनी स्नोफॉल यहाँ पे नहीं होती थी, मगर इस बार थोड़ी ज़्यादा है। और हमारे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं कनाडा में, तो अब सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई करने के लिए हम एलिजिबल हो चुके हैं। अब वो मैं कैसे करूँगा, एप्लीकेशन की क्या क्या प्रोसीजर है, वो जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा वैसे वैसे आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि आपको सिटीजनशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। मगर हम एलिजिबल हो गए हैं क्योंकि मैं फरवरी 2019 में यहाँ पे आया था और अभी चल रहा है अप्रैल 2022, तो मैं ऑलरेडी एलिजिबल हो चुका हूँ। मगर मैं जब US जाता था उस टाइम पे जो मेरा US का स्टे था ट्रकिंग के दौरान, तो वो मुझे इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो करीबन अगर प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो प्रैक्टिकली मैं एलिजिबल होता हूँ मई में, क्योंकि जो भी मेरा US का स्टे है वो मुझे उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सिटीजनशिप की पहली कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे 3 ईयर का स्टे करना पड़ता है, 3 ईयर नाइट आपको कनाडा में स्टे करना पड़ता है। मीन्स
1095 डे के आसपास होता है, उतना आपका यहाँ पे स्टे होना चाहिए। और उसमें से मुझे जो US वाले जो डेज है वो उसमें से मुझे डिडक्ट करने हैं, तो वो करीबन मई में होता है मेरा कैलकुलेशन, तो मई में मैं अप्लाई कर दूंगा। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और पासपोर्ट की एप्लीकेशन कैसे करते हैं रिन्यूअल की, तो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिना पासपोर्ट के सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हमें पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा और उसके बाद सिटीजनशिप के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो ऐसा है भाई, यहाँ पे अभी तो पहले टी मॉर्टन में जाते हैं और एक कॉफ़ी पकड़ लेते हैं, फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चाय नहीं मिलती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चाय नहीं मिलती है हमको। अगर चाय पीनी है तो घर से बना कर थर्मोस में भर के साथ में रख लो तो वही एक ऑप्शन है, वरना मार्केट में जैसे हमारे वहाँ पे चाय की किटली या फिर चाय का थैला होता है ना, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे टी मॉर्टन है तो वहाँ पे जाके हम पहले कॉफ़ी ले लेते हैं। तो हमारी कॉफी आ गई है, अब हम चलते हैं आगे। तो अभी मैंने प्यूरो लेटर में मेरी पासपोर्ट की एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अब पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे जाके क्या करना है, वो सब देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए सबसे पहले आपको blsindiacanada.com की वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा, blsindiacanada.com। वहाँ पे जाके आपका जो भी ज्यूरिडिक्शन लगता है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। मेरा ओटावा लगता है तो मैं आपको ओटावा ज्यूरिडिक्शन का दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा, इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पे पासपोर्ट सर्विस में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है न्यू बुकलेट और रिन्यूअल पे। न्यू बुकलेट और रिन्यूअल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होता है, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हुई है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन फीस है, आपका जो भी केस है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की पूरी चेकलिस्ट है, ये प्रोसेसिंग टाइम है कितना लगता है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो, मगर वो सारे यहाँ पे लिंक दी हुई है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में, तो ये यहाँ पे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल केस में एप्लीकेशन फी होती है $103.40 की, और अगर आपका कोई स्पेशल केस है तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आप जाते हो तो यहाँ पे चेकलिस्ट दी हुई है जिसके अंदर पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप पासपोर्ट रिन्यूअल की एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हो। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, एक आप अपॉइंटमेंट बुक करो यहाँ पे जो भी BLS का सेंटर है वहां पे जाने के लिए, और जो दूसरा ऑप्शन है आप बाय पोस्टल भी रिन्यूअल की एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। मैंने पोस्टल का ऑप्शन लिया था, और मैंने पोस्टल का ऑप्शन क्यों लिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम बुक अपॉइंटमेंट में जाते हैं तो बुक अपॉइंटमेंट में जाने के बाद ऐसा पेज ओपन होता है जहां से आप आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मेरा मॉन्ट्रियल है तो मैंने मॉन्ट्रियल सिलेक्ट किया, मैंने पासपोर्ट का सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट डेट पे जाना है और वहां पे जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, मगर यहाँ पे देखो सारे स्लॉट अभी अनअवेलेबल है। मीन्स यहाँ पे अगर आप कोई भी जगह पे देखोगे तो स्लॉट फुल ऐसा दिखाएगा, और 2 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप मई की भी देखो तो सारे स्लॉट फुल है अभी, तो कोई अपॉइंटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल केस में अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, मगर एक कोविड की सिचुएशन के बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, और 2 महीने से ज्यादा का दिखाता नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने पोस्टल का ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब आपको पोस्टल एप्लीकेशन करनी है तो यहाँ पे जाके आपको बुक योर पोस्टल में जाना है,
और यहाँ से आपको पिकअप एंड ड्रॉपअप का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पिकअप एंड ड्रॉपअप है, दूसरे अलग अलग ऑप्शन है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप पिकअप एंड ड्रॉपअप का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ऐसा पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे आपको आपका एड्रेस देना है, ड्रॉपअप एड्रेस में आपका एड्रेस देना है और फिर प्रोसीड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप आपके घर का एड्रेस पिकअप एड्रेस में एंटर करोगे तो उसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं करता है नॉर्मल केस में, क्योंकि जो प्यूरो लेटर जो सर्विस प्रोवाइड करती है पिकअप एंड ड्रॉपअप की, वो आपको ऐसा दिखाएगी यहाँ पे कि प्यूरो लेटर पिकअप इज नॉट अवेलेबल एट दैट लोकेशन। अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप सिंपली यहाँ पे आपके पास में जो भी प्यूरो लेटर की ब्रांच है उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दो और ड्रॉपअप एड्रेस में आप अपना एड्रेस रखो और फिर प्रोसीड नेक्स्ट करो। मैंने बहुत बार ट्राई किया मगर यहाँ पे मेरा एड्रेस एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो यहाँ पे वही मैसेज शो कर रहा था कि प्यूरो लेटर पिकअप एवर सर्विस इज नॉट अवेलेबल एट दिस लोकेशन। फिर मैंने प्यूरो लेटर में जाके पूछा तो उन्होंने भी वही बताया कि आप प्यूरो लेटर का एड्रेस डाल सकते हो और वहाँ पे प्यूरो लेटर का एड्रेस डालो और ड्रॉपअप में अपना एड्रेस रखो। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालो, यहाँ पे प्यूरो लेटर का एड्रेस डालो। अगर आपका एड्रेस यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो आप प्यूरो लेटर का एड्रेस डाल सकते हो और फिर आपको प्रोसीड नेक्स्ट करना है। और उसके बाद आपको ये पिकअप एंड ड्रॉपअप सर्विस की फीस पे करनी होती है। जब आप फी पे कर लो उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाओ और यहाँ पे एक प्रोसीजर फॉलो करने को बोला है। नॉर्मल में ये प्रोसीजर है, आप कॉल करो इस नंबर के ऊपर और ये प्रोसीजर फॉलो करो, मगर मैंने ये ऑप्शन नहीं लिया था। मैं डायरेक्ट ब्यूरो लेटर के लोकेशन पे गया था और वहां पे जाके मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए थे, तो मैंने ये ऑप्शन नहीं लिया था। मैं डायरेक्ट प्यूरो लेटर की ऑफिस पे जाके वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आया था। अब यहाँ पे देखो लेबल प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक आपका लेबल क्रिएट करना है, वो लेबल की आपको प्रिंट निकलनी है और वो अपने पास रखनी है, और जब आप प्यूरो लेटर में आप पोस्टल देने के लिए जाओ तो उस टाइम पे वो प्रिंट देनी है ताकि वो आपके पैकेज के ऊपर लगा सके। अगर आप ये ऑप्शन ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर मैंने ऑप्शन ट्राई नहीं किया है तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं डायरेक्ट प्यूरो लेटर की ऑफिस पे गया था। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको चेकलिस्ट पे जाना है। चेकलिस्ट पे जाके आपको ऐसा एक चेकलिस्ट मिलेगा ये पीडीएफ फॉर्मेट में, इसकी आपको प्रिंट निकाल लेनी है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नेम, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब भी फिलअप करना है और यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं वो आप यहाँ पे चेक कर लो और हर एक पेज के नीचे आपको साइन करनी है। नॉर्मल केस में मैं बता देता हूँ कि आपको बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप इन पर्सन एप्लीकेशन देने के लिए जा रहे हो बीएलएस के सेंटर में, तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए और आपके पास उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एज वेल एज उसकी फोटोकॉपी साथ में लेकर जाना पड़ता है बीएलएस के सेंटर पे अगर आपको सबमिट करनी है तो। मगर पोस्टल के केस में ऐसा नहीं है। पोस्टल के केस में आपको खाली आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ही सेंड करना है और जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट है उसको आपको फोटोकॉपी निकाल कर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेशन करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो सबसे पहले आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की हुई है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो इसको ओपन करना है। इसको ओपन करोगे तो passportindia.gov.in की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आपको कनाडा सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके आपको रजिस्टर करना है अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो। अगर अकाउंट है तो आप यूजर लॉगिन में जाके लॉगिन कर सकते हो। अगर पहली बार आए हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है और फिर आपको रजिस्टर करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके लॉगिन करना है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर लो और उसके बाद अंदर जाके आपको आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद
जब आप उसको सबमिट करो, उसको रीवेरीफाई और वो सब कर लो, और उसके बाद उसकी प्रिंट निकालनी है। प्रिंट निकालने के बाद आपको वो प्रिंट के ऊपर दो जगह पे साइन करनी है, एक फोटो के नीचे और दूसरी लास्ट पेज पे। वहां पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर आपको साइन करनी रहती है। अगर माइनर है तो माइनर के केस में पेरेंट्स को भी साइन करनी पड़ती है लास्ट पेज में। उसके बाद आपको चाहिए दो फोटोग्राफ, 51 mm by 51 mm के दो फोटोग्राफ चाहिए। अगर आप एडल्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एनेक्सर ई फॉर्म की प्रिंट निकालनी पड़ेगी। अगर आप माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एनेक्सर डी फॉर्म की कॉपी आपको साथ में देनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे कैनेडा में स्टेटस है उसके डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने रहते हैं। मैंने पीआर के तौर पे किया है तो मैं इसके अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ। तो आपको पीआर कार्ड लगेगा, फिर आपको लैंडिंग पेपर मीन्स आपका जो COPR होता है उसकी कॉपी आपको सबमिट करनी रहती है, और आपका एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे आप जो जगह पे रहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, यूटिलिटी बिल दे सकते हो, इसमें से कोई भी यूटिलिटी बिल आप प्रोवाइड कर सकते हो। बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हुई है, तो आपका जो भी केस है उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अब जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर दो, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको ये जो फीस है वो फीस पे करनी है। अब इन पर्सन आप जाते हो तो वहां पे आपको फीस वहां पे डायरेक्ट पे करनी है। आप कैश भी दे सकते हो या फिर आपके डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, मगर जब आप एप्लीकेशन बाय पोस्ट कर रहे हो तो वो केस में आपको उनका डीडी, ये नाम का डीडी आपको उनको सेंड करना पड़ेगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करो उस टाइम पे आपको एक डीडी निकलवाना पड़ेगा ये नाम का, और वो डीडी आपको डॉक्यूमेंट के साथ सेंड करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो BLS इंटरनेशनल सर्विस कैनेडा इनकॉर्पोरेशन है ना, वो कोई कोई बैंक में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ये पूरा नाम जो डीडी है उसके ऊपर प्रिंट नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे इंटरनेशनल का एब्रीवेशन यूज करना है, क्योंकि अगर आप पूरा प्रिंट करके लिखने जाओगे तो वो डीडी के ऊपर प्रिंट नहीं होता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल की जगह पे उसका एब्रीवेशन यूज कर लो, वो चलता है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है आपके केस के अकॉर्डिंगली तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट केस के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने रहते हैं, मगर मैं बेसिक जो है वो आपको बता रहा हूँ। अब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो उस टाइम पे जो बात खास ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी निकालो वो सिंगल पेज पे होनी चाहिए। टू साइडेड कॉपी अगर आप निकालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, तो वो सिंगल पेज पे निकालनी है। और एप्लीकेशन फॉर्म में जो साइन करनी है और चेकलिस्ट के अंदर जो भी डिटेल आपको फिलअप करनी है या साइन करनी है वो आप ब्लैक इंक का यूज करके करना, मीन्स ब्लैक बॉल पेन यूज करना, ब्लू बॉल पेन यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है यूज ब्लैक इंक ओनली, ये मेंशन किया हुआ है, तो आप ब्लू इंक से साइन मत करना। तो ये है पासपोर्ट की एप्लीकेशन रेडी करने की सारी प्रोसेस। तो अगर आपको कोई भी पासपोर्ट रिलेटेड या फिर आपको इंडियन कॉन्सुलेट के रिलेटेड कोई भी काम हो तो आपको BLSIndiaCanada.com की वेबसाइट पे जाना होता है, और वहाँ पे जाके आपको जो भी आपको काम है वो वहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो जो आपकी कैटेगरी है वहाँ पे जाके आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए BLSIndiaCanada की वेबसाइट पे जाना रहता है, वहाँ पे जाके आपको इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके पासपोर्ट गवर्नमेंट की जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे वो रिडायरेक्ट करता है, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन करनी रहती है। वहाँ पे एप्लीकेशन करने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने हैं, मीन्स आप नॉर्मल केस में अगर कोई प्रोसीजर है तो मैं आपको बता पाऊंगा, मगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो वो मेरे बस में नहीं है, तो वो आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।